नमस्कार, स्वागत है आपका अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में। और आप इस वक्त देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल। अभी जो समाचार आ रहा है पंजाब के हबोर से, महिलाओं को कर्ज दिलाने के नाम ठगने वाले दो युवकों की धुनाई कर पुलिस के हवाले किया गया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें 50,000 का कर्ज दिलाने का लालच दिया गया था। स्थानीय लक्कड़ मंडी में खोले गए एक निजी कंपनी के कार्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा 10-10 महिलाओं के ग्रुप बनाकर प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये कर्ज दिलाने का आश्वासन दिया गया था। मौके पर मौजूद महिलाओं सुषमा, संगीता, बीरो, उषा, भोली आदि ने बताया कि उन्हें कर्ज दिलवाने के लिए फार्म भरवाए गए और प्रत्येक फार्म के 7,250 रुपये और फाइल चार्ज के 2150 रुपये वसूले गए। उन्हें यह कहा गया कि 12,500 वापस मिल जाएंगे और कुल कर्ज में 17,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। महिलाओं ने बताया कि बहकावे में आकर उन्होंने फार्म भर दिए लेकिन कर्ज नहीं मिला। बाद में उनसे 9,000 रुपये की और मांग की गई, लेकिन जब कर्मचारी कर्ज देने में आनाकानी करने लगे तो महिलाओं के सब्र का पैमाना टूट गया और उन्होंने वहां तैनात दोनों कर्मचारियों ताराचंद व राम कुमार को कार्यालय से खींचकर जमकर धुनाई कर दी। महिलाओं ने बताया कि कंपनी वालों ने ऐसे 60 ग्रुप चलाकर मोटी ठगी की है। जमकर धुनाई के बाद दोनों को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ जी, माता जी, नाम की है? जी, क्या बात हुई? बात क्या हुई जी, हमारे को पहले फार्म भराने को कहे 50,000 का लोन पास करावांगे जब हम भी खरीद हुए थे जी। जब आप पहले 12,500 ले लिया और आप के नाम 1500 एक दिए, अरे 9,000 और मंगे। जब एक तो ही देना हो तो मैंने लोन की जरूरत थी, मैं गरीब आदमी हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ मेरा नाम बंदा है जी। अन मार्कल फार्म भराया गुरुद्वारे में, कह था लोन पास हो जी 5,00,000 को, एक रन 9,500 लिया, एक 12,500 लिए। अब और क्या मान को और दे दे वन पीसा और दे दे वन पीसा जो कह लोन पास हो जी। अब ये लोन पास थोड़ी है, 24 घंटा बाद कह के पीसा जी थरा आए को 24 घंटा बाद में। अब का और दे दे और घुस दिया, अब मैं नंगे हाथ पकड़े है। हाँ जी, मेरा नाम जोनी है जी, मेरी दुकान है जिमगढ़ में गुरुद्वारा कने, तो बैठा है मैडम आई तो ये आया सागे, ये मैंने कहा कि फ्री में आप लोन देना है लगवाइया ने 50,000 रुपये, मैं क्या 17,000 माफ होगा और बाकी कह बाकी भरना होगा। ठीक है, तो मैं क्यों 1 रुपये लिए को मैं चल क्यों बोलो तो वही है, लेकिन 50,000 रुपये मिले तो ये करता करता ये 60-70 ग्रुप बना लिया, 60-70 ग्रुप बन गया अंगा। फिर बाद में क्या किना किना क्या 150 रुपये दो, किन का 250 रुपये दो, एक 12,500 रुपये ले गया लुगाइया आवे। मना क्या मेरे मेरे तो क्यों रुपये लियो कोनी, मंग घरे आ गए कभी मान गए रोड पर बुला के पीसा लेके जावे, कभी कट्ठा बुला ले कभी कट आज बुलाए मैंने केडी डॉक्टर कने बड़े बड़े बुला के क्या 5,000 रुपये दे के जाओ एक ग्रुप ने, दे मैंने फोन करके कहीं मेरे को बटपा ने पीसा ना दिए, रोक लियो पकड़ लियो मैंने अपने, आज फिर आने चंगो कुट्टे हुए अड़खाना में ले गया है अपने आई है कि अगर जीता जिंगा भी जीता भी ग्रुप है सारा पीसा मिल गया तो वही है मेन तो सर। अज एक लक्कड़ मंडी के कोल कुछ कंपनी सी जी जाली कंपनी दस रही है, कुछ महिलाओं नाल ठगी कर रहे हैं, बारे थोड़े को कंप्लेंट आई की कार्रवाई कर रहे हो? साढ़े को कंप्लेट आई है, वो लेडीज़ है उन्हें मेहनत कश लेडीज़ है, उन्होंने धोखे तो नाल पैसे ठग रहे थे, उन्होंने बेनीफिट देने का लालच दे के, बट 2-3 महीने हो गए बेचारियाँ मेहनत वाली लेडीज़ है तो उन्होंने पैसे नहीं, कोई उन्होंने कोई बेनीफिट नहीं मिले, 2-2.5 महीने हो गए हूँ, उन्होंने रोस भी किया, विरोध भी किया, लड़ाई झगड़ा भी होया थोड़ा बहुत इस गलते, बट यह है भी उन्होंने धक्का हो इस गलते कार्रवाई करा। बेसिकली तो यह है भी यदि गेम तो पिछे निकलूगी कि ना कि, वैसे तो यह राम कुमार है, ताराचंद है, ये है 2-3 बंदे है, कुछ लेडीज़ भी इन्हों रलिया हुई हैं। एक्चुअली की है भी नैट के थ्रू इंटरनैट के थ्रू कुछ बंदे गलत इन्हों रले हुए है, रूट्स तो किसी ने देखिया नहीं, बेस तो वह पुलिस ट्रेस करूगी, असी ट्रेस करा इस गलों की गलबात है, फिर वो दे देखा जी बनती कार्रवाई करूँगा, सख्त करूँगा, कोई गल नहीं। प्राइवेट कंपनी मैनेज की हुई है इन्होंने, कोई दिल्ली की फर्म हैगी रजिस्टर्ड है, वो बारे अजय रिकॉर्ड लेना बाकी है।